अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरम मसाला की रेसिपी, जिसके अंदर हम ये सब स्पाइस जो हैं वो यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हैं लौंग, सब्ज़ इलायची, काली मिर्चें और दालचीनी है। इसके अलावा है जायफल, जावित्री और बड़ी काली मिर्चें हैं, और उसके अलावा तेज़पात है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैंने 150 ग्राम लिया है, और सूखा धनिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, वो तकरीबन होगा 200 ग्राम। मैं सफ़ेद ज़ीरे को मैंने भून लिया है और सूखे धनिए को भी भुना है, थोड़ा सा ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। उसके अलावा बाकी जो ये तमाम चीज़ें हैं इनको हमने नहीं भूनना। तो व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलें जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस तरह से बारीक मसाले जो हैं वो मैंने पीस लिए हैं। यहाँ पे जो है मसाला बनके रेडी हो गया है, मैंने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो आप भी इस तरह से बना के जार में स्टोर कर लें तो ये 1-2 महीने आराम से चल जाएगा। तो बाज़ार के जो मसाले हैं उससे बेहतर है हम घर में बनाएं। आप भी इस तरह से बना के स्टोर कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।